अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए इंस्टेंट क्लब कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ रोज़ देखनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो देखिए, मैंने यहाँ क्लब कचौड़ी बनाने के लिए रेडीमेड क्लब कचौड़ी आटा का इस्तेमाल किया है। अब आप बिना टाइम वेस्ट किए क्लब कचौड़ी कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें क्लब कचौड़ी बनाने के लिए पहले से उड़द दाल को सोख करके रखना होता है। पर अब आप इस आटा का इस्तेमाल करते हुए कभी भी क्लब कचौड़ी बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कहाँ से परचेस किया है, पर आप सभी के लिए एक अफसोस की बात है, जो लोग कोलकाता में हैं वो तो इजीली परचेस कर सकते हैं, पर जो लोग कोलकाता से बाहर रहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या इनकी कहीं और भी ब्रांचेस है या नहीं। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी परचेस करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तरह तरह के मिक्सचर अवेलेबल होती हैं, आप इसे बेफिक्र होकर यूज़ करें। ये 100% नेचुरल एंड हाइजेनिक है। तो देखिए, मैंने इसका आधा यूज़ किया है, ये पूरा 500 ग्राम है, तो मैंने इसका 250 ग्राम यूज़ किया है। तो अब आधे आटे को पैक करके रख दे, फिर इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसे एक नमक है जो हमें स्वाद के अनुसार ऐड करना है, एक पिंच काली मिर्च पाउडर, 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल से हमारी कचौड़ी में एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगी, तो इसे हिसाब से ही डालें। अब इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मिक्स करते वक्त थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए मैंने अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, पर आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो बना लें। तो मैंने इसलिए आपको पहले भी कहा कि ये 100% नेचुरल एंड हाइजेनिक है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का डो है जैसे आप उड़द दाल के पेस्ट से डो बनाते हैं। अगर आप इसे जब भी यूज़ करते हैं तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके डो में उसी तरह का चिपचिपापन है जैसे उड़द दाल के पेस्ट के डो में होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लें और 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। जब तक हमारा डो रेस्ट होता है तो चले तब तक हम अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 पीस मीडियम साइज़ आलू को पील ऑफ करके कट कर लिया। इसकी हमें मीडियम पीसेस ही करना है। और यहाँ देखिए, हमें 1 कप कटा हुआ प्याज लेना है और 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब, 2 पीस हरी मिर्च, 1 चम्मच पचफोड़न जो हम सबके घर में इजली अवेलेबल होता है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चले अब हम इसे फटाफट प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। थोड़ा सा तेल ऐड कर लें। तेल के गर्म होने के बाद इसमें हमें 1 चम्मच पचफोड़न ऐड कर लेना है। अब 1 कप कटा हुआ प्याज ऐड कर लें। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक का सॉटे कर लें। प्याज सॉटे होने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। 1-1 करके अब सारे मसाले ऐड कर लें। 2 पीस कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब, आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें। 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी। मसाले मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे हमें कुक करना है। इसे तब तक कुक कर लें जब तक कि ऑयल पूरा सरफेस में दिखे ना। अब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए आलू। मसाले में आलू कंबाइन कर लें। तो देखिए, हमने आलू को मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब इसमें पानी ऐड करते हुए 2 से 3 विसल तक का कुक कर लें।
अब अपना फ्लेम ऑफ कर ले और इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। तो चलिए अब कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखें हमारा डो 30 मिनट के बाद पूरी तरह सेट हो चुका। इसे एक से दो बार गूंथ लें। अब अपनी कचौड़ी की साइज़ के अकॉर्डिंग इक्वल लोई बना लें। अब कचौड़ी रोल करते वक्त डस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसमें थोड़ा तेल ऐड करते हुए इसे रोल कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की कचौड़ी बना सकते हैं। अब इसी तरह सारे कचौड़ी रोल कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ सारी बड़ी कचौड़ियाँ बनाई हैं, सिर्फ 2 से 3 पीसेस मैंने छोटी कचौड़ियाँ बनाई हैं, वो आपको एंड में मालूम चल जाएगा मैंने इसे क्यों बनाया है। अब प्रेशर कुकर खोल लें क्योंकि हमें पहले अपनी सब्ज़ी रेडी करनी है। तो देखिए यहाँ हमारी सब्ज़ी में थोड़ी पानी है, पर हमें अपनी सब्ज़ी को थोड़ा लटपटार बनाना है। तो अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए कुक कर लें। तो देखिए हमने अपनी सब्ज़ी को लटपटार जैसा कुक कर लिया। यकीन मानिए अगर आप अपनी सब्ज़ी को इस तरह अपनी कचौड़ी के साथ सर्व करते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब थोड़ा सा फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया ऐड करके इसे स्टर कर लें। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ सर्व करें। अब एक एक करके हम गरम तेल में सारी कचौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ियों का मज़ा ही कुछ और है। अब बिल्कुल बिना सोचे अपने किचन में जाए और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ी का लुत्फ़ उठाएं। हमने छोटी कचौड़ी क्यों बनाई थी तो अब आप देख लें, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो इसमें सब्ज़ी ऐड करते हुए इसे खाएं। मेरी कचौड़ी थोड़ी बड़ी साइज़ की बन गई है, आप अपनी कचौड़ी थोड़ी छोटी साइज़ की बनाएं और बिल्कुल इसी तरह खाएं। तो आप सभी को मेरी ये इंस्टेंट क्लब कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी अपने थॉट्स ज़रूर एक्सप्रेस करें। पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ गुड डे। जज़ाकअल्लाह।